السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I am Mohammed Baswani with Specially Abled Person and you are watching AWT यानी अबासवानी रनिंग चैनल. इस चैनल पर हम अक्सर बेशतर आपके साथ कोई ना कोई वीडियो शेयर करते रहते हैं, चाहे व्लॉग से रिलेटेड हो, चाहे मोटिवेशनल वीडियो हो, या चाहे कोई टेक्निकल वीडियो हो जिसमें हम रिपेयरिंग के ज़रिए अपने आप को दिखाते हैं कि आपको दिखाना चाहते हैं वो कि हमारी एक्सपीरियंस क्या है. तो जाहिर सी बात है वो आपके साथ हम शेयर करते हैं. एक शेर याद आ रहा है मुझे डॉक्टर इकबाल का, जो कहता है, तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है. हमारे सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर कोई रास्ते से चल रहा होगा, सीधे रास्ते से चल रहा होगा तो उसको ठोकर लगेगा. हम में से ही यानी हमारे सोसाइटी में ही से ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये देखकर नज़रअंदाज भी कर सकते हैं, उसमें आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको थोड़ी दर्द होगी, तकलीफ़ होगी, यहाँ इस बेचारे को ठोकर लग गया, या तो ये कहेगा वो. इस एंगल से सोचने के दो तरीके भी हो सकते हैं. एक तो इस एंगल से सोचेगा, अफसोस कि इसने ये रास्ता क्यों चुन लिया है, क्योंकि इसको ठोकर लग गया. अगर उसने कोई और रास्ता पकड़ लिया होता तो शायद ये ठोकर से बच जाता, ये भी एक सोच है. और दूसरा जो तरीका है सोचने का वो ये भी हो सकता है कि काश ये चीज़ जो इसके लिए यानी जिससे टकराया, ठोकर लग गया, अगर ये वहाँ नहीं होता. इसके बाद भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है, ये भी एक सोचने का अंदाज़ा है. गर्ज ये कि हर इंसान के अंदर अलग अलग परसेप्शंस मौजूद होते हैं. एक मोटिवेशनल वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. खुद समझ जाना, कमेंट में कह देना कि क्या ये सही है या गलत है जो बातें मैंने आपसे शेयर की है. एक सोसाइटी क्या होती है, इसमें बहुत तरह के लोग मौजूद होते हैं, बहुत तरह के लोग. कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं. मैंने पहले ही कहा था आपसे, परसेप्शन मीन्स अपने देखने और सोचने का इरादा क्या होता है. सपोज़ हम आपको परसेप्शन कुछ इस तरीके समझाएंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम और आप टूर के लिए निकले हैं, टूर में जाते हैं तो किसी सेहत अफजा मुकाम के लिए हम टूर के लिए जा सकते हैं, किसी टूरिस्ट प्लेस पे. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम किसी पहाड़ी की सैर करने के लिए चले, किसी को वहाँ के पेड़ पसंद आते हैं, किसी को वहाँ का जो सरजमी है वो पसंद आती है, किसी का वहाँ का एटमॉस्फेयर पसंद आता है, तो किसी का वहाँ का जो हवा है, वातावरण है, वो पसंद आ जाता है, तो किसी के वहाँ के लोग, उनका रहन सहन, लाइफ स्टाइल जो है वो पसंद आता है. हर कोई अपनी अपनी राय दे सकता है, मुझे ये वहाँ अच्छा लगा, मुझे वो अच्छा लगा, ये लगा. गरज की सोचने का जो अंदाज़ है, हर किसी के पास ये लिबर्टी है, वो सोच सकता है. अल्लाह ताला ने हमारे अंदर वो निज़ाम पैदा किया, जो चीज़ें मुझ में हैं वो आप में नहीं हो सकती है, जो खूबी आप में है वो मेरे अंदर नहीं हो सकती है. तो गरज अगर 10 लोग जाएंगे तो 10 तरीके की बातें करेंगे, वहाँ ये अच्छा था और ये गलत है, ये अच्छा है और वो गलत है. क्रिटिसिज्म भी एक पहलू है हमारी लाइफ में, पॉजिटिव और नेगेटिव थिंग्स. जहाँ तक कि सोचने की बात, हम आपको ये अब तक ये मैसेज पहुँचा रहे हैं कि इंसान को हमेशा कंस्ट्रक्टिव माइंड रहना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव, ना कि डिस्ट्रक्टिव माइंडेड. कंस्ट्रक्टिव माइंडेड जो इंसान होता है वो हमेशा पॉजिटिव एंगल को ही कैप्चर करेगा. आप कितना भी अच्छा काम कर लो, ये जो क्रिटिक्स लोग होते हैं वो आपको उसी चीज़ पर यानी उसी पर निशाना दागेंगे, वॉच करते रहते हैं कि इसने ये बात गलत कही है. अगर आप स्लिप ऑफ टंग भी हम इसको कह सकते हैं, हो सकता है आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, हर किसी से गलती हो सकती है. महसूस करना, फील करना, एक दिन अपने अंदर ये जाके देखना कि क्या ऐसे लोग सोसाइटी में है या नहीं है. ये अच्छी बातें कर रहा हूँ मैं आपके साथ इस वक्त. वही लोग जो आपको ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं, एक दिन वही आपको नीचे गिरा देंगे. मतलब क्या है इसका, अब खुद डिसाइड कर लीजिए, आप इंडिपेंडेंट हो या डिपेंडेबल हो. अगर आप शोहरत चाहते हो
किसी दूसरे से, वो आपको लाइक करे, कमेंट करे, यानी कोई ऐसा कमेंट दे आपको जिससे आप मोटिवेट हो जाओगे, बाद में वही बंदा आकर आपको डिमोटिवेट भी कर सकता है। इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। अगर आप खुशी के लिए तैयार हो तो रोने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। खड़ा होने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि मैं बैठ कैसे सकता हूँ। चलने से पहले, दौड़ने से पहले आप अपनी रफ्तार को अपने हद में रख लीजिए। कहीं ऐसा ना हो जाए एक एकदम से दौड़ लगाओगे तो, लेकिन आगे आपका जो ठिकाना है वो कोई खाई है। और अगर आप आहिस्ता आहिस्ता धीमी 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 अंदाज से चलोगे तो आपको एक रास्ता अलग से नज़र आएगा। उसी रास्ते से चलो आप। आपको दाएं बाएं करो वगैरह मिलेंगे, लेकिन जब आप एकदम से दौड़ लगाओगे तो आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। आपको सिर्फ वो निशाना नज़र आएगा जहाँ पर आप जा रहे हो। अगर आप आराम से उस रास्ते से जाओगे तो आप मंजिल पार करोगे, लेकिन अच्छी तरीके से करोगे। जितनी भी कठिनाई होंगे आपके सामने, वो बिल्कुल आप पार कर सकते हो, अच्छी तरह से उनका मुकाबला कर सकते हो, डट के मुकाबला कर सकते हो। रही बात हमारी सोसाइटी की, समाज की, जिनको जो कहना है वो कहते रहेंगे। आप कितना भी अच्छा करो इंसान के साथ, वो आपको ये कभी नहीं कहेगा कि आपने हमारे साथ ठीक किया है। मान के चले आपके पास 1,000 रुपये है, आपके पास 10 बंदे ऐसे आए हैं जिनको आपको सदका देना है या खैरात देना है, दे दीजिए, 100-100 दीजिए और अपने पास कुछ मत रख लीजिए। 100 1,000 था, 10 को 100-100 दिया तो इसको कहते हैं 1,000 रुपये 10 को मिला के दिया आपने। लेकिन फिर भी आपको लोग ये कहेंगे कि इसमें भी कुछ गरज खदशात हो रहे होंगे, ये बात तो है। लेकिन उसके बाद बावजूद भी हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर इस सोसाइटी को हमें देखना है, झांकना है, हमें लोगों की बातों में नहीं आना है। आपने जो डिसीजन लिया है उस पर डट के मुकाबला करें, अच्छी तरह से मुकाबला करें, ताकि आने वाले लोग आपकी आपकी मिसाल दें, या आप मिसाल बनोगे दूसरों के लिए। जो लोग आपसे जलते हैं वो खुद ब खुद खामोश हो जाएंगे। और सबसे बड़ा इंसान है, अगर आपने किसी के साथ, आपके साथ किसी ने गलत किया है तो उसको आप माफ़ कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो जो माफ़ी के लायक हो उसको आप माफ़ कर सकते हो। तो ये भी एक अहम तरीन बात है एक अच्छे इंसान होने की। रही बात दूसरी, वो ये है कि अपने एम को आप पाना चाहते हो, उसको कैसे पा सकते हो। आजकल के दौर या मौजूदा दौर में हम ये आपको बताना चाहते हैं, एक सलाह देना चाहते हैं। अगर आप फोकस करना चाहते हो किसी एम पे, तो उसी पर फोकस करो। आप उससे रिलेटेड जितना भी कंटेंट्स आपको मिलेगा तो उसको कलेक्ट कीजिए, स्टडी कीजिए, बाद में कुछ देर के लिए डिसाइड कर लीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। ये बात आपको जहनशीन करनी है अपने अंदर। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ ही गए होंगे। इस वीडियो बनाने का मतलब क्या है कि इंसान को हमेशा फोकस उन्हीं चीज़ों पे करना चाहिए जो वो कर सके, दूसरों की बातों पे मत आना, कभी नहीं आना चाहिए। वो क्या कहेंगे, आपको 1,000 लोग मिलेंगे सोसाइटी में, 1,000 बातें सुननी पड़ेंगे, ये करो ये नहीं करना चाहिए था, वो करो वो नहीं करना चाहिए था, ये करो। तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंट आदमी बनो, पर्सन बनो जो समाज के लिए मिसाल बनेगा। दूसरों की गलती या दूसरों की कोताही को ढूंढने में आप अपना ज़िंदगी, अपना वक्त ज़ाया मत करो, क्योंकि ये दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखते हैं जिन्होंने कुछ दिया होगा इस सोसाइटी को, समाज को, और आपको और मुझे। आप किसी भी किताब को उठाकर देख लीजिए, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम उन्हीं की बातें करेंगे जिन्होंने इस सोसाइटी में कुछ दिया है, चाहे वो एरिस्टोटल हो, चाहे वो डार्विन भी अपने ज़माने का एक अहम तरीन शख्सियत था। अगर उन्होंने नेगेटिव दिया है इस्लाम के मुताबिक रिलेटेड, तो लेकिन लोग उसको भी याद करते हैं, उनकी अपनी परसेप्शन थी। तो इसी तरीके से जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने एक नया सा इनकलाब लाया, उन लोगों को लोग याद करते हैं। गरज ये कि आपने कितना अच्छा किया है, कितनी अच्छाई की, लास्ट अल्टीमेटली लोग वही याद रखते हैं कि आपने अच्छा क्या किया, आपने सोसाइटी को दिया क्या है। कोई कमज़ोर है उनकी मदद करो, कोई बूढ़ा बुजुर्ग है, कोई अंधा है उसको रास्ता दिखाओ। अंधे का मतलब आप समझते हो, ये अंधा ही नहीं, अंधे हम सिर्फ उसी को नहीं कहते हैं जिसकी आंखों की बीना ही नहीं है। अंधा वो भी हो सकता है जो एक रास्ता
जो एक रास्ते से महरूम होता है। ये थोड़ी बात अलग है, खुद समझ जाओगे, आप समझदार लोग हो, खुद समझोगे। अंधा किसको कहते हैं? अंधा तो एक पराया भी हो सकता है, जब वो हमारे देश में आता है, हमारे गांव में आता है, हमारे पड़ोस में आता है, वो भी अंधा है उस टाइम, जब तक कि वो किसी से पूछ ना ले, सहारा ना ले। इसलिए सहारा बनने की कोशिश करो, सहारा बनो, और अपनी जो बुक्स है स्टडी करो अच्छी तरीके से, ताकि आप अपने ज़िंदगी में कामयाब हो जाओगे। बाकी शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।